अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मेरे चचा के बेटे की थी माइयों ईद के फ़ौरन बाद ही, जैसे ही दावतें ख़त्म हुई उसके बाद से शादी शुरू हो गई। तो यहाँ पे बस हम दोनों में भी आहिस्ता ऐसा चढ़ रहे थे क्योंकि उनका घर चौथी मंजिल पर था। तो चढ़ते चढ़ते हशर बुरा हो गया। तो गर्मियों की शादियाँ, तोबा तोबा, इतना मुश्किल था ना रेशम कपड़े पहनना शादियों में। भाई प्लीज़, जो लोग गर्मियों में शादियाँ करते हैं ना, प्लीज़ यार गर्मियों में शादी नहीं किया करो। बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों में शादियों में आना जाना। और मैंने तो दो दो शादियाँ निपटाई, एक ससुराल की एक महके की। तो खैर बहरहाल ये तो थी मेरी कहानी। तो अब चलते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, आपको व्लॉग कंटिन्यू करने, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं अपना, और आपको दिखाते हैं जो जो रस्में हुई, जो जो वहाँ पे हुआ वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो जी यहाँ पे जो है दूल्हा वाले बस अभी अभी आए थे, तो जो है वो सारा सामान सजवा था। और ये दुल्हन की बरी थी, क्योंकि जाहिर है जिसने नहीं देखी वो सब लोग उसी दिन देख लेते हैं। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन के कमरे में जो है ना बरी साड़ी मेरी चची ने लगाई हुई थी, तो सब जो है बरी देख रहे थे। उसी तरह मैं भी साड़ी बरी देख रही थी और वीडियो वगैरह बना रही थी थोड़ी बहुत। तो जो है बस यहाँ पर सारा दुल्हन का सामान लगा हुआ था, और बारात का सामान तो जा चुका था क्योंकि अगले दिन बारात, एक दिन के गैप से बारात थी। तो वहाँ पर जो है बारात का सामान जा चुका था सारा वलीमे का, और बाकी का जो दुल्हन का सामान था वो सब यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये शादी है मेरे चचा के बेटे की, जो कि है मुझसे छोटा जाहिर है, क्योंकि हम चारों बहन भाई सबसे बड़े हैं और उसके बाद सारे चचाओं के बच्चों की बारियाँ आती हैं। तो चलें जी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कितनी जल्दी है मामा दी का। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे चल रही थी रसम, माइयों बिठा दिया गया था नबील को। तो जो है यहाँ पे पहले मेरे चचा और चची जो है रसम कर रहे थे। मैं यही सोच रही थी पहले जो है ना हमारी यहाँ रसम शुरू होती थी हमारे दादा से, खैर फिर वो भी नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे, फिर अम्मी पप्पा शुरू करते थे। अब मेरी अम्मी भी नहीं रहीं तो बहुत दिल दुखा देख के ना, पप्पा अकेले बैठे थे। खैर मेरी बहन साथ बैठ गई थी, छोटी वाली बहन, क्योंकि मेरा बहनों उस वक्त तक आया नहीं था, तो इस वजह से फिर वो साथ बैठ गई थी पप्पा के। तो जो है खैर बहुत बहुत अजीब सा लगा पप्पा को अकेले बैठते हुआ देख के ना। आदत नहीं है क्योंकि हमें इस तरह पप्पा को अकेले, हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मम्मी पप्पा साथ साथ रहते थे हर जगह। तो खैर बहुत दिल दुखा। आप सब लोग ज़रूर ज़रूर मेरी वालदा के लिए दुआ करिएगा, मेरे पप्पा के लिए भी। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हम पे सलामत रखे। तो खैर जी यहाँ पे हो गई थी सारी रस्में, और बाद में हमारे यहाँ होता है दूल्हे की जगह पे जो है ना किसी को बिठाया जाता, तो यहाँ पे इन दोनों को बड़ा शौक़ था कि हम बैठेंगे। तो खैर इन दोनों को बिठा दिया था, तो यहाँ पे बस ज़रा हंसी मजाक चला। और जो दूल्हा की जो वो होते हैं ना लड्डू वगैरह वो सब, और उपटन वगैरह ये सब लगाया जाता है यहाँ पर, तो सब
चल रहा था ये, और इसके बाद लगेगा बस खाना। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिल बहुत घबरा रहा था, बस इसे चाह रहा था यहाँ से चले जाओ फटाफट और ना घर के नॉर्मल से कपड़े पहन लो। पूरी शादी में बस यही दिल कर रहा था, और हफ्स भी बहुत था, गर्मी भी बहुत थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही ना इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर यहाँ खाने में थी कढ़ाई थी शायद, मैं तो भूल भी गई इस बात को, क्योंकि दो दो शादियाँ निपटाई हैं ना, दो शादियों के इवेंट थे, तो इस वजह से खाना इतना याद भी नहीं है। खैर यहाँ पे मेरे सारे चाचा वगैरह जेंट्स वगैरह तो जी जेंट्स वहाँ पे खाना खा चुके थे, नहीं हाँ खा रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे लेडीज़ का भी खाना लग गया था। बस फटाफट से सब खाएंगे खाना, क्योंकि जो है काफ़ी लेट हो गए थे और घर की तकरीब थी ना, तो इस वजह से और तो जनाब हम लोग आ गए थे घर, और आते वक्त मेरे मियाँ जी जो है ना लेमन सोडा लेते हुए आए थे, तो बस आके फटाफट से हमने ये पिया, कपड़े वगैरह चेंज करे, और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मी के लिए खास तौर पे दुआ करिएगा। हमारा ब्लॉग इतना सही था, आज का माइयों का ब्लॉग था, इंशाल्लाह ताला बारात वाली में कभी ब्लॉग आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो बहुत कम मैंने बनाई है, खैर पर जितनी भी बनाई है आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ठीक है जी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम, अल्लाह हाफिज जी।